Hello everyone, good afternoon guys, are we live now? ओके okay, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो so, फटाफट से सभी लोग रेडी लिख दो इन द कमेंट सेक्शन गुड आफ्टरनून श्रीमैन गुड आफ्टरनून बबलू गुड आफ्टरनून आफ्टरनून गुड गुड आफ्टरनून गाइस हाय एवरीवन दिस इज शीतल शर्मा योर जी ए जी के फैकल्टी ऑन ऑलिव बोर्ड एंड वेलकम टू ऑलिडी चैनल गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज हम करने वाले हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के बोल्ट ऑलिवुड बोल्ट सीरीज के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं ये हम लोग आज करने वाले हैं ठीक है ऑल राइट सो जितने भी स्टूडेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट है फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो ऑलीवुड आई टी चैनल जो है इस पर डेली बेसिस पर मेरी क्लास होती है ट्वेल्व पी एम पर तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेल्व पी एम पर एनी हाउ आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी ऑलीवुड ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है ठीक है so, सो ऑलीवुड के ऊपर आपका एस बी आई पी और ऑफिस का बैच आप ले सकते हैं ऑल इन वन कोर्स है फॉर प्री एंड मीन्स बोथ ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैंकिंग सुपर रिलीड यहाँ पर आपको शीतल कोड अप्लाई करना है ऑलीवुड पर आप कुछ भी परचेज करते हैं चाहे मॉक टेस्ट चाहे कोर्सेज या फिर सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज शीतल कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अलावा बैंकिंग 2024 ऑफिसर्स बैच जो है ऑल इन वन कोर्स है फॉर प्री एंड मीनस प्रिपरेशन अप्लाई शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस एज वेल हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब क्लास पी डी एफ देन ओपन ऑलीवुड ऐप गो टू द कोर्सेज सेक्शन एंड फ्रॉम यूट्यूब क्लास पी डी एफ डाउनलोड द पी डी एफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज Which company will buy 13% of Paramount's taken in Viacom 18 for 4286 crore rupees? So, what is the correct answer here? करेक्ट okay. आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिलायंस जो है सो रिलायंस विल बाय थर्टीन परसेंट ऑफ पैरामाउंट स्टेक इन वायाकॉम एटीन फॉर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी सिक्स करोड़ रुपीज़ सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पैरामाउंट ग्लोबल के थर्टीन पॉइंट जीरो वन परसेंट स्टेक जो किसके अंदर है वायकॉम एटीन मीडिया के अंदर है वायकॉम एटीन मीडिया किसका यहाँ पर सब्सिडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही सब्सिडी है तो इसके अंदर जो पैरामाउंट ग्लोबल के थर्टीन परसेंट स्टेक थे उससे पूरे के पूरे स्टेक्स यहाँ पर ख़रीद रहे हैं कि अपने स्टेक्स हमें बेच दो तो. तो इससे क्या होगा रिलायंस की जो वायोकॉम एटीन के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी सो वायाकॉम एटीन वॉज हेल्ड बाय पैरामाउंट ग्लोबल थ्रू इट्स टू सब्सिड्रीज वायाकॉम एटीन इज अ सब्सिडी ऑफ टी वी एटीन ब्रॉडकास्ट विच होल्ड प्रेफ्रेंशियल शेयर्स वर्थ फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर एट परसेंट इन द कंपनी तो इस तरीके से थर्टीन परसेंट यहाँ पर इसमें से लेने के बाद में जो टी वी एटीन फोरकास्ट का स्टेक है वायाकॉम एटीन में विल इंक्रीज टू सेवेंटी पॉइंट फोर नाइन परसेंट आफ्टर ऑल दिस ठीक है नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एच इंडेक्स जो है उसके अंदर इंडिया का रैंक क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 134। सो so, इंडिया की जो रैंकिंग है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूव बाय वन पोजीशन इन 2022 टू 134 आउट ऑफ ना वन कंट्रीज़ सो 193 कंट्रीज़ so, में इंडिया का जो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग है वो वन पोजीशन बेटर हुआ है व्हेन वी कंपेयर इट टू द 2022 सो so 2022 के हिसाब से ट्वेंटी में वन पोजीशन हम बेटर हुए हैं यानी कि 134 रैंक है इसका मतलब 2022 के अंदर हमारी रैंक कितनी थी 135 थी आउट ऑफ टोटल 192 कंट्रीज इस बार कितनी है वन कंट्रीज में से वन रैंक है हमारी ठीक है किसके अंदर ट्वेंटी के अंदर और ट्वेंटी के अंदर कितना था वन था मतलब ट्वेंटी में हमने एक पोजीशन

ह्यूमन डेवलपमेंट में किसका था स्विट्जरलैंड के अंदर मैम ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अच्छा है तभी नंबर वन पे ये रहा नेपाल जो है नंबर पर था और पाकिस्तान नंबर पर हैज बीन रैंक लोअर देन इंडिया ये इंडिया से भी लो रैंक इनको मिला था एच जो होता है ये आपका यू जो है उसने अडॉप्ट किया था इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन के अंदर यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था एच जो है वो बनाया था दो इकनॉमि ने इंडिया के एक इंडिया से थे जिनका नाम था अमारते हैं और दूसरा दूसरे कौन थे दूसरे थे पाकिस्तान के महबूब उल हक तो दोनों ने मिलकर इसको यहां पर डेवलप किया था और 1991 से फिर यूएन ने इसको अडॉप्ट करके रिलीज करना शुरू कर दिया अपने बिहाग पर ठीक है सो तीन पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं सबसे पहली चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो दूसरा होता है आपका लिटरेसी रेट यानी कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग और तीसरा होता है एवरेज इनकम यानी कि जो भी आपका पर कैपिटा इनकम है इन कंट्रास्ट टू जी वो देखा जाता है यहां पर कि पर कैपिटा इनकम किसी पर्सन का क्या है तो बेसिकली इंडिया सॉ इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑल एच इंडिकेटर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बड़ी है एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट भी बड़ा है और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो भी यहां पर इंक्रीज हुई है लाइफ एक्सपेंड एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ईयर्स में देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज जो इंडिया में लोग रहते हैं उनकी ऑन एन एवरेज क्या लाइफ है एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना यहाँ पर लाइफ जीता है कितने साल की उसकी ईयर्स की लाइफ है तो वो सिक्सटी से बढ़कर सिक्सटी सेवन ईयर्स हो गई एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वो कितना है कि कम से कम यहाँ पर बारह साल वो स्कूलिंग में यहाँ पर कर रहा था आ, स ऑफ स्कूलिंग ऑन एन एवरेज मीन ईयर मतलब औसतन छह साल तो वो स्कूलिंग का एक पर्सन इंडिया के अंदर दे रहा है ठीक है और वैसे टोटल एक्सपेक्टेड इन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स जी एन आई पर कैपिटल सो एन इंक्रीज फ्रॉम सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी टू टू सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी वन पहले पर कैपिटल कितनी थी मैम छः हज़ार पाँच सौ थी अब ये छः हज़ार नौ सौ इक्यावन हो चुकी है यानी कि सिक्स फाइव ड फोर टू से ये बढ़कर सिक्स नाइन फाइव वन हो चुकी है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की बात करते हैं इंडिया रैंक फोर्टी सेकेंड टॉपड बाई यू एस एल पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ ट्वेंटी इंडिया एट एट्टी रैंक टॉपड जर्मनी, इटली जापान, सिंगापुर एंड स्पेन फ्रांस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें इंडिया रैंक नाइनटी थर्ड टॉपड बाय डेनमार्क ठीक है इसमें टॉप किसने किया डेनमार्क ने टॉप किया मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स की बात करें तो रैंक वन किसको मिला है वियना ऑस्ट्रिया को रैंक टू पर कौन है जुरीक स्विट्जरलैंड है और रैंक थ्री पर कौन है वैनकूवर ऑफ कैनेडा ये तो रही आपकी टॉप थ्री इंडिया की तरफ से हैदराबाद जो है ये सबसे ऊपर था वन फिफ्टी थर्ड रैंक पर ठीक है इंडिया की तरफ से सबसे ऊपर इसी को पोजिशन मिला ग्लोबली वैसे ये वन फिफ्टी थर्ड रैंक पर था फिर इंडिया की तरफ से जो पुणे है वन फिफ्टी फोर्थ पर चेन्नई वन सिक्सटी फर्स्ट पर और मुंबई वन सिक्सटी फोर कोलकाता वन सेवेंटी के अंदर न्यू डेली वन सेवेंटी टू और जो खारतूम नाम का जो शहर है सुदान के अंदर बॉटम मोस्ट पोजीशन इसको मिला कौन सा पोजीशन टू हंड्रेड एंड फोर्टी फर्स्ट मिला क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा सेवेंथ इधर मैम अप्रैल कितने दिन तक का करना है सेवन्थ ऑफ अप्रैल तक का कर लेना ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन पाँच से सात अप्रैल तक का कर लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ डैश लोन अग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहांस एक्सेस टू क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन एट द गिफ्ट सिटी तो गिफ्ट सिटी के अंदर ये जो फिनटेक एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन जो है उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने मिलियन यू डॉलर का लोन अग्रीमेंट साइन किया ए के साथ में तो याद रखना यहां पर फिनटेक एजुकेशन के लिए अंदर क्वालिटी प्रमोट करने के लिए ट्वेंटी गांधीनगर गुजरात में आई एफ सेंटर है ना वहां पर ठीक है अब बात करते हैं यहां पर गिफ्ट सिटी इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ठीक है अब अच्छा एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन uh, है मैम टॉप थ्री कंट्रीज क्या है किसकी कौन से इंडेक्स की टॉप थ्री कंट्रीज आप पूछ रहे हैं ठीक है वो भी बताना अब यहाँ पर रीसेंट लोन कुछ अप्रूव हुए हैं बाय एडीबी 200 टू हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर का जो फ्लड एंड रिस्क इरोजन अलॉन्ग साइड ब्रह्मपुत्रा रिवर असम के लिए दिया है 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 250 मिलियन 250 मिलियन लोन एडीबी ने दिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया को 200 मिलियन का लोन उत्तराखंड को 175 मिलियन का लोन मध्य प्रदेश को और 181 मिलियन यूएस डॉलर लोन अहमदाबाद के पैरियर्बन एरियाज के अंदर नेक्स्ट है इंडिया का शिपिंग मिनिस्ट्री हैज अप्रूव वाटरवेज प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र इन असम टू बूस्ट टूरिज्म वट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर दिस प्रोजेक्ट आंसर फास्ट एवरी वन वेरी नाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्स फोर्टी फाइव करोड़ रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर यार ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स फोर्टी फाइव रुपीज़ किसने दिए है यहाँ पर सिक्स फोर्टी फाइव करोड़ रुपीज़ दिए हैं शिपिंग मिनिस्ट्री ने अप्रूव्ड हैज़ अप्रूव्ड वाटर वेज प्रोजेक्ट वर्थ सिक्स फोर्टी फाइव करोड़ ऑन ब्रह्मपुत्रा इन आसम जिससे यहाँ पर रिवर टूरिज़्म जो है उसको ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है आर डेवलप्ड अंडर द सागर माला प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच कंपनी हैज़ बेग टू हंड्रेड मेगावाट कपैसिटीज सोलर पावर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप एट द गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मेगावॉट रिनेबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा गुजरात ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एच पी सी लिमिटेड एन एच पी सी लिमिटेड जो है यहाँ पर आपको याद रखना है उसको 200 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन का 1125 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा गुजरात के अंदर यहाँ पर शुरू किया गया तो मुझे ये बताओ कि जो आपका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसने क्या बोला है उसने भी तो कुछ बोला है ना इधर उसने क्या बोला है उसने बोला है कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है अब तक का सबसे बड़ा लेके आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वो भी कौन सी जगह पर थर्टी थाउजेंड करोड़ थर्टी थाउजेंड मेगा का खावड़ा गुजरात के अंदर लेके आने वाला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ठीक है याद रहेगा और वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मेगा का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर ला रहा है खावड़ा गुजरात के अंदर ला रहा है एट फोर्टी सेवन करोड़ रुपीज का इसका टोटल क्या है डेवलपमेंट कॉस्ट है ठीक है प्रोजेक्ट वॉज सिक्योर अ टैरिफ ऑफ टू तो पॉइंट सिक्स सिक्स पर यूनिट एंड विल बी कंप्लीटेड इन अ पीरियड ऑफ एटीन मंथ्स ये कौन लेके आ रहा है एनएच पी सी को मिला है 200 मेगावाट मेगावॉट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो खावड़ा गुजरात के 1125 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी मेगावॉट के प्लांट के अंदर ये बनाने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चमेली देवी जैन अवार्ड से रिलेटेड कौन से पॉइंट ऐसे हैं यहां पर जो करेक्ट हैं आंसर करो फटाफट फड़ से ओके सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ओनली टू पॉइंट्स आर इनकरेक्ट कौन कौन से पॉइंट्स इनकरेक्ट है यहाँ पर सो so, जो पॉइंट्स इनकरेक्ट है दैट इज सबसे पहली चीज़ तो ये वाली इनकरेक्ट है साइंस के फील्ड में नहीं दिया जाता किस में दिया जाता है जर्नलिज्म में दिया जाता है और दूसरा मीडिया फाउंडेशन नाइनटीन सेवेंटी फाइव में नहीं आई थी नाइनटीन एटी के अंदर आई थी बाकी ये बात ठीक है कि गरिश्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को मिला है चमेली देवी जैन अवार्ड एन अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर चमेली देवी जैन हु इज़ अ फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मोवमेंट सो so, ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द मीडिया फाउंडेशन इंडिपेंडेंट ज्यूरी जिसके अंदर आपकी जर्नलिस्ट एंड कॉलमिनिस्ट राधिका रामशेषन एज अ चेयरपर्सन यहाँ पर थी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट एंड ऑथर मरियम अलावी भी यहाँ पर थी और रिचर्ड महापात्रा के साथ में इन्होंने सिक्सटी फाइव विमेन जर्नलिस्ट में से किसको चुना है ग्रेशमा कुठार को, को चुना है और रितिका चोपड़ा को चुना है ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को इधर प्लस ये याद रखना चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वेमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर मीडिया फाउंडेशन ने 1980 में क्या किया था इसको सेटअप किया था ठीक है इसके अलावा अभी कुछ रीसेंट अवार्ड्स दिए गए लेकिन चमेली देवी जैन अवार्ड कब दिया गया था सबसे पहली बार 1982 में दिया गया था सो आई डबल ए गोल्डन कंपास अवार्ड ये किसको मिला गोल्डन कम्पस किसके पास है स्वामी जी ना सारी सोने की चीज़ें लेके चलते हैं तो स्वामी जी के पास में सोने का कंपास भी था यानी कि गोल्डन कंपास किसके पास था श्रीनिवास स्वामी को मिला है इरासमस इरासमस मतलब किसी चीज़ को रेडिकेट कर देंगे यानी कि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को इेडिकेट करने के लिए अमिताभ घोष को मिला है इरासमस प्राइस ठीक है तो अमिताभ घोष जो है घोष्ट की तरह इरेज कर देंगे क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड इंडिया को मिला नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के अंदर दुग्गल नाम के जो बंदे हैं यतिन भास्कर दुग्गल वो दुग्गल नाम में दुग्गा है लेकिन पहले नंबर पर है ना दुग्गी पे नहीं आए हैं पहले नंबर पे आए हैं सो फर्स्ट सेकेंड नंबर पे कौन है पिचई पिच करने वाला सबसे आगे होना चाहिए बट यहाँ पर पिचई सेकेंड नंबर पे थे और कनिष्का शर्मा शर्माती रह गई थर्ड नंबर पर यू एस जी ए प्रस्टिजियस बॉब जॉन अवार्ड किस को मिला है मैम बॉब जॉन्स जो है जॉन्स ही क्या याद रखना है टाइगर याद रखना है टाइगर वुड्स बॉब जॉन्स ठीक है नेक्स्ट है हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड मैम वाई पर नोटिफिकेशन नहीं आता जब आप लाइव आ रहे होते हो तो बेल आइकन आपने प्रेस किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको मेरी क्लासेस दिख जाएंगी नोटिफिकेशन आ जाएगा ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सायरा तो बी साई जो है साईराम का नाम लेके उनको नॉर्दर्न कोल फील्ड्स का सीएमडी बना दिया गया जैसे अभी रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा को बोला गया कि आप छः महीने और रुको कुछ इंपॉर्टेंट आपके केसेस अभी भी ऐसे हैं जिसमें आपके पास में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो छः महीने के लिए आप और बने रहो क्या फॉरन सेक्रेटरी किसको बनाया गया विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया डी ऑफ इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स दीपक बलानी है ना तो यहाँ पर शुगर खाने से दीपक का भला नहीं होगा है ना तो भला नहीं से याद रखना बलानी दीपक बलानी शुगर इंडियन शुगर एंड एन बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन नए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी विजिलेंस कमिश्नर अभी बने हैं ए एस राजीव और इनकी जगह पर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एम डी एन सी ओ बनाए गए हैं वो कौन किसको बनाया गया है वो बनाया गया मैम निधु सक्सेना को किसको बनाया गया है निधु सक्सेना को बनाया गया इन प्लेस ऑफ ए एस राजीव तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पहले एएस राजीव थे फिर इनको विजिलेंस कमिश्नर बना दिया नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट किशोर मकवाना बात मनवाना किशोर मकवाना को बहुत अच्छे से आता है कैसे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड बात मनवानी है उनके अपलिफ्टमेंट में ये किशोर मकवाना देखेंगे लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब चेयरमैन बना तो किसी एक को मेम्बर भी बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का क्या नाम है उनका बताना फटाफट से यस यस इट इज़ नेसेसरी दर्शन ए बी दर्शन इट इज़ नेसेसरी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लव कुश नाम याद आए लव कुश कुमार जो है है ना उनको बनाया गया है लव कुश को बनाया गया है नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू पी एम ऑफ विच कंट्री मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो मुस्तफ़ी मुस्तफ़ा फ़िलस्फ़ा फ़िलस्फ़ा मुस्तफ़ा से पेलिस्तिन फिलिस्तीन ठीक है तो आपको याद रखना है यहाँ पर पेलस्तानियन पीएम बने हैं कौन मुस्तफा मुस्तफ़ा इस टाइप से आप याद रखोगे ऐसे ही पाकिस्तान के कौन है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का जरदारी पाकिस्तान का पीएम होगा तो शरीफ नाम में शरीफ लेकिन है तो नहीं शरीफ है ना इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट इंडोनेशिया वाले का नाम जो है वो प्रा इंडोनेशिया वाले को क्या बोल रहे हैं इंडिया कहते हैं भैया तुम्हारे नाम में भी आई एन डी है हमारे नाम में भी आगे आई एन डी है तुम हमारे क्या हो प्राओ जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना प्रा बड़े भाई को बोलते हैं प्रा बोलते हैं है, है ना तो प्रा प्राबोवो इंडोनेशिया ठीक है प्राबोवो कहाँ के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के फिनलैंड सब कुछ फाइन है फिनलैंड में क्योंकि अलेक्जेंडर नाम का बंदा यहाँ पर क्या है प्रेजिडेंट है कजाकिस्तान बकता रहता है कजाकिस्तान है ना कजाकिस्तान में जो बंदा है वो कह रहा है कि कौन बकता रहता है कुछ भी बोलता रहता है तो कजाकिस्तान ने बैक्ते यानी कि ओल्ज़स जस को अपना क्या बनाया है प्राइम मिनिस्टर बनाया नेक्स्ट एज एनाबेल सूदरलैंड नेम्ड एज आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ तो इनके नाम में ही इनकी कंट्री का नाम छुपा हुआ है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम ऑस्ट्रेलिया ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट आंसर सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो एनाबल है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं इनको विमेन प्लेयर ऑफ़ द मंथ यहाँ पर घोषित किया गया फेब्ररी 2024 के लिए और वहीं पर मेंस कैटेगरी में जो इंडिया के यशस्वी जायसवाल हैं उनको मेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर फेब 2024 ट्वेंटी फोर यहाँ पर घोषित किया गया और एनबल स्वदरलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नेम्ड एज द आईसीसी सी प्लेयर ऑफ़ द मंथ फेबररी 2024 ट्वेंटी फोर विच टीम हैज़ वोन द रणजी ट्रॉफी ट्वेंटी कौन सी टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी ट्वेंटी क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम मुंबई मुंबई जो है उसने विदर्भा को यहाँ पर वन रन से हरा मुंबई महाराष्ट्र में रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया है ये मुंबई का 42nd टाइटल है लेकिन 2016 के एडिशन के बाद में साल से ये कोई टाइटल नहीं जीते हैं पांच करोड़ का प्राइज रहा था और उसके अलावा पांच करोड़ एक्स्ट्रा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन दे रहा था इसका मतलब इनका प्राइज मनी कितना रहा टेन करोड़ रुपीज रहा नेक्स्ट इज हुआ इज वो द फार्मूला वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर साऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री दो हजार चौबीस की किसने जीती है यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा मैक्स वर्स्ट अपन ने सो रेड बुल मैक्स फर्स्ट अपन क्लिन विक्ट्री एट सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री इट मार्ग रेड बुल सेकेंड क्जिक्यूटिव वन टू फिनिश इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फार्मूला वन ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है वर्स्ट अपन विनर आर रिकॉर्ड ऑफ नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी टू रेसेज लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर 22 रेसेस हुई थी उनमें से 19 रेसेस में कौन जीते थे मैक्स वर्स्टापैन जीते थे जिनमें नहीं जीते थे एक थी आपकी अजेरबाईजान एक थी आप, आपकी सऊदी अरेबियन ठीक है एक थी सिंगापुर ग्रैंड प्री ये तीन में नहीं जीते थे बाकी नाइनटीन जीते थे तो पिछले बार जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री जीत नहीं पाए थे इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री जीत लिया है ठीक है और जो सर्जी ऑफ पैरिस ऑफ रेडबुल फिनिश डेट सेकेंड चार्ल्स लेकिन फिनिश डेट थर्ड एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस बार लगातार मैक्स एंड जो है वो सितंबर से लेके अब तक ये नाइन यहाँ पर जीत चुके हैं और अगर करियर वाइज देखें तो सऊदी ग्रैंड प्री इनकी फिफ्टी सिक्स करियर विन थी अब तक के करियर की विन जो है वो फिफ्टी सिक्स नंबर की देश जीत रहे थे सऊदी ग्रैंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के साथ में इट वाज आल्सो हिज हंड्रेड करियर पोडियम वाइल रेड बुल हंड्रेड एंड फिफ्थ विन लिफ्टेड देम अहेड ऑफ विलियम्स इन फोर्थ प्लेस ऑन ऑल टाइम लिस्ट नेक्स्ट आपका हुआ इज रिलीज द बुक एंड वीडियो ऑन सागर परिक्रमा एट राजकोट गुजरात सागर परिक्रमा जो है राजकोट गुजरात में उसके ऊपर ये जो बुक किसने रिलीज़ की है पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के ऊपर एक बुक और वीडियो बनाई गई वो इन्होंने कहाँ रिलीज़ की राजकोट गुजरात के अंदर यहाँ पर रिलीज़ की है ठीक है याद रहेगा सबको सो इसके अंदर सेवन चैप्टर्स है कवरिंग जेनेसिस ऑफ सागर परिक्रमा ओवरव्यू एंड डिटेल कवरेज ऑफ द जर्नी ऑफ वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे अक्रॉस द ग्लोब ओके करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टीथ ऑफ मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन फिफ्टींथ ऑफ मार्च अक्रॉस द ग्लोब थीम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का है फेयर एंड रिस्पॉसिबल ए आई फॉर कंज्यूमर्स ठीक है फेयर और रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर कंज्यूमर्स के लिए फिफ्टींथ ऑफ मार्च नाइनटीन सिक्सटी टू को प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी स्पोक बिफोर द यू एस कांग्रेस एंड एड्रस्ट कंज्यूमर राइट्स तो उसके बाद में पहला जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो कब यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था 1983 में तब से यूनाइटेड नेशन इसको फिफ्टी ऑफ मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में यहाँ पर मनाता है नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण रामदास पासड अवे रिसेंटलीफ नाइन्टी वन ही वॉज फॉर्मर चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी ठीक है फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण रामदास जो है 91 की एज में इनका निधन हो गया 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर है यहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था प्लस आपको यहाँ पर याद रखना है कि ही अटेंडेड कैम्ब्रिज स्कूल इन श्रीनिवासपुरी इन डेली बट वट इज़ मोर इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नेवी का फर्स्ट कोर्स जो है जॉइंट सर्विसेज विंग का देहरादून में नाइनटीन में किया था जब ये मैज कितने साल के थे बस पंद्रह साल के थे फिफ्टीन इयर्स के श्रीनगर होस्टेड द फर्स्ट एवर फॉर्मूला फोर कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट ऑन द बैंक्स ऑफ लेक तो जो श्रीनगर है उसने किस झील के तट पर पहली बार फार्मूला फोर कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम की मेज़बानी की तो करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर के अंदर वेरी फेमस डाल लेक जो है वो अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि डाल लेक के ऊपर इस टाइप का जो कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन है फार्मूला फोर का वो यहाँ पर किया गया एंड प्लस यहाँ पर वन किलोमीटर ट्रैक था फ्रॉम ललित घाट ऑन द बैंक्स ऑफ डाल लेक टू नेहरू पार्क इन दिस सिटी सो फर्स्ट ऑफ़ इट्स कांड है इन कश्मीर वैली विच इज ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया एंड अफिलियेटेड विद फेडरेशन ऑफ़ यानी कि जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है उसके साथ में अफिलिएटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड के वाई सी दिस ऐप ऑल्सो अलाउज वोटर्स टू चेक इफ एनी कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जो इलेक्शन में यहाँ पर खड़ा है उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है कि नहीं सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ सी इन के वाई सी अब यूजअली हम देखते हैं के वाई सी होता है नो योर कस्टमर बट इलेक्शन के केस में इट इज़ नो योर कैंडिडेट सो करेक्ट आंसर वुड भी है बी इसके अलावा एक और ऐप लॉन्च की है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन के लिए तो बता देती हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए एंड सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना उनके लिए तो वट इज़ द नेम ऑफ दैट ऐप ऐप का नाम क्या है सक्षम ऐप ठीक है ऐप का नाम क्या है सक्षम ऐप है पर्सन विद डिसेबिलिटी पी डब्ल्यू डी एंड जो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि अगर मान लीजिए कोई एटी ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा का अस्सी साल से ज़्यादा की एज वाला अगर कोई सीनियर सिटीज़न है एंड प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको फोर्टी परसेंट बेंच मार्क अगर डिसेबिलिटी है तो ऐसे केस में इन्होंने क्या बोला है ऐसे केस में बोला है कि उनको पोलिंग बूथ तक आने की जरूरत नहीं है उन वो अपने घर से ही एट होम ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं वोट डाल सकते हैं वोटिंग कर सकते हैं सक्षम ऐप बेसिकली किसके लिए आया है ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए पोलिंग बूथ के ऊपर अरेंजमेंट कर सके, इनके लिए सारा कुछ अप कर सके प्रोसेस अब सक्षम ऐप जो हो गया ये आपका क्लियर है इसके थ्रू कर सकते हैं अब दूसरी चीज़ एक और है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली यहाँ पर यूथ को वोट करने के लिए प्रेरित करने के लिए यानी कि टू एनकरेज यूथ टू गो एंड वोट इन द अपकमिंग इलेक्शंस तो उसके लिए यूथ आइकन जो है वो अभी किसको बनाया है तो आंसर क्या हो जाएगा और पी डब्ल्यू डी पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन किसको बनाया है? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो यूथ आइकन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आयुष्मान खुराना ठीक है एक्टर आयुष्मान खुराना और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको यहाँ पर अपॉइंट किया है शीतल देवी को जो कि पैरा आर्चर हैं ठीक है आर्मलेस तीरंदाज हैं जिनके हाथ नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख लेना नेक्स्ट है यहाँ पर फिर भी एक बार बता देती हूँ ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को आया था इसलिए पच्चीस जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं उसके अलावा नेशनल टूरिज्म डे भी पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि छब्बीस जनवरी को परेड देखने जाना है तो टूरिज्म ट्रैवल करके जाना पड़ेगा तो एक दिन पहले ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को टूरिज्म डे भी है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वी एस रामा देवी ट्वेंटी फिफ्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कमिश्नर्स जो हैं दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं यूजुअली आई या आईआरएस रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं तो इनमें से दो कौन है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु टेन कितना है सिक्स ईयर्स का टर्म पूरा हो गया या फिर सिक्सटी फाइव ऑफ एज हो गई हो वेयर इज इंडिया फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड ऑपरेशन तो इंडिया का पहला ऑयल पाम यानी कि जो आपका पाम ऑयल होता है ना उसका प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहा शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको शुरू किया गया है सो अ न्यू फैक्ट्री हैज़ एस्टैब्लिश इन द लोअर वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट और ये आपको पता होगा कि ये जो इंडिया का पहला ऑयल पाम फैक्ट्री है ये अंडर दिस मिशन चलाया जा रहा है इस मिशन का नाम क्या है एनएमई एनएम का मतलब क्या है नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल यो मतलब एडिबल ऑयल खाने योग्य जो तेल है और इसके बाद में जो ओ पी है उसका मतलब क्या है ऑयल पाम तो ऑयल पाम फैक्ट्री बेसिकली पाम ऑयल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनरी है जहाँ पर इसमें जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट प्लांट है प्ला पाम वेस्ट बेस्ड पावर प्लांट बेसिकली यहाँ पर एक बनाया गया है सो so, इंडिया का ये फर्स्ट ऑयल पाम फैक्ट्री है जो अंडर एन एम ई ओ ओ पी के तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया है ठीक है याद रहेगा सबको नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन इन स्टेट टू बूस्ट वोटर टर्न आउट इन फोर हंड्रेड फोर्टीन पोलिंग स्टेशन विद्सटी परसेंट वोटिंग ड्यूरिंग द लास्ट लोकसभा पोल्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सो इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश टू बूस्ट वोटर टर्न आउट इन फोर हंड्रेड एंड फोर्टीन पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्टेशन विद लेस देन सिक्सटी परसेंट वोटिंग ड्यूरिंग द लास्ट लोकसभा पोल्स सो मिशन फोर हंड्रेड फोर्टीन इन्होंने यहाँ पर दिया है ऐसे फोर हंड्रेड आइडेंटिफाइड पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पर सिक्सटी परसेंट से कम वोटिंग लास्ट लोकसभा पोल्स में हुआ है उनको यहाँ पर ये लोग टारगेट करेंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप से जाएँ और वोटिंग करके आए ठीक है नेक्स्ट इज गोयाना डिफेंस फोर्स विल अक्वाय 22 Dornier 228 aircraft from India. Dornier 228 aircraft is manufactured by which Indian company? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सो गुयाना डिफेंस फोर्स प्लानिंग टू सून एक्वायर टू न्यू एयरक्राफ्ट फ्रॉम न्यू डेली विथ ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेवन मिलियन यू एस डॉलर लोन फ्रॉम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सो एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड वॉज साइंड बिटवीन गुआनीज फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी जी एम ऑफ एक्जिम बैंक तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं दो ऐसे हिल से यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो डोनियर टू, टू ट्वेंटी एट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं वहाँ से एक्वायर कर रहे हैं एंड ये एयरक्राफ्ट ये यूज़ करेंगे मैरीटाइम पेट्रोल एंड ट्रूप मूवमेंट के अंदर इंडिया हैज़ ऑलरेडी गिवन दीज एयरक्राफ्ट टू तो इट्स नेबर्स लाइक मॉल एंड श्रीलंका वो भी इन्होंने दिया है गोयाना की कैपिटल इज जॉर्ज टन करंसी गोयानीस डॉलर है मार्क फिलिप्स पी है इरफान अली इज़ द प्रेजिडेंट एंड ये कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो याद रखना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टेंट नेक्स्ट कॉन्टीनेंट देन यहाँ पर आपको याद रखना है टाटा सन्स विल सेल हाउ मच पर्सन टेक इन टी सी एस फॉर नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी टू पॉइंट थ्री करोड़ रुपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की एंड इट विल बी सेलिंग टू पॉइंट थ्री फोर करोड़ शेयर्स और जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट इक्विटी ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू अ ब्लॉक डील फॉर नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू करोड़ रुपीज़ नेक्स्ट इज तमिल साय सुंदर राजन हैज़ रिसेंटली साइंड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच्यूरटी सो so, है द करेक्ट आंसर इज पुदुचेरी तमिली साई सुंदर राजन जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी तो अब इनकी जगह पर कौन किन को दिया गया है ये दोनों जगहों को संभालने के लिए तो आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले भी है ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर वीकली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया किस किस को याद है लेट्स सी इनकी जगह पर किन को ये चार्ज दिया गया है एडिशनल चार्ज दिया गया है झारखंड गवर्नर वेस्ट बंगाल गवर्नर उड़ीसा गवर्नर किसको दिया गया वेरी नाइस सीपी राधाकृष्णन राधा कृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड ठीक है किसको मिला है सीपी राधाकृष्णन को अब ये चार्ज दिया गया है तो अब यहां पर न्यू चार्ज किसको मिला है न्यू चार्ज मिला है इन दोनों का एडिशनल चार्ज सीपी राधा कृष्णन को ठीक है नेक्स्ट है विच बैंक विल सपोर्ट टाटा मेमोरियल सपोर्ट नेशनल कैंसर ग्रेड विद हंड्रेड करोड़ रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा बैंक सपोर्ट कर रहा है टाटा मेमोरियल का जो नेशनल कैंसर ग्रेड विद हंड्रेड करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूशन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर एक्सिस बैंक सो नेशनल ट्यूमर बायो बैंक एंड कैंसर टेली कंसल्टेशन नेटवर्क आर अमंग द प्रोजेक्ट्स दैट आर सपोर्टेड बाई अ हंड्रेड करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन टूअर्ड द नेशनल कैंसर ग्रेड फ्रॉम एक्सिस बैंक सो एज़ अ पार्ट ऑफ द फाइव ईयर पार्टनरशिप एक्सिस बैंक विल सपोर्ट एन सी जी विच इज़ अ मेंबर ऑफ थ्री हंड्रेड प्लस कैंसर सेंटर्स ठीक है और एक्सिस बैंक के साथ में यहाँ पर आके जुड़े हैं प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन सेवेंटी वन वन रशिया प्रेजिडेंशियल इलेक्शन विद एटी सेवन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द वोट अ रिकॉर्ड पोस्ट सोवियत लैंड स्लाइड हाउ मैनी ईयर्स इज द टन्योर ऑफ़ द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर सिक्स ईयर्स हो जाएगा सो प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है रशियन इलेक्शन में एटी सेवन पॉइंट एट परसेंट वोट के साथ में दे हैव क्लेंजड एट नेक्स्ट है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ई ओ ऑफ एन बी एफ सी तो पूना वाला फिनकॉप के एम डी एन सी ओ कौन बने हैं यहाँ पर दैट इज़ अरविंद कपिल तो अरविंद कपिल मैम ऐसा लग रहा है जैसे दो बंदों के नाम हो अरविंद कपिल ठीक है तो वो किसके पूना पूना वाला फिनकॉप जो है उसके यहाँ पर बनाए गए हैं अच्छा इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि मॉर्टगेज बैंकिंग बिजनेस जो है एच डी एफ सी बैंक का पहले वहाँ पर अरविंद कपिल इसका मॉर्टगेज जो बैंकिंग बिजनेस है उसके ग्रुप हेड थे तो अब नए क्योंकि अब यहाँ पर अरविंद कपिल तो बन गए फिर पूना फिनकॉप के पूना वाला फिनकॉप के एम डी एन सी ओ तो वो जो पोस्ट है मॉर्टगेज ग्रुप हेड ऑफ़ मॉर्टगेज बैंकिंग बिजनेस ऑफ एच डी एफ सी बैंक उन उसमें किसको बनाया गया है वेरी नाइस nice. सुमंत रामपाल को बहुत अच्छे गौर है एकदम सही है ना कल हमने मैराथन सेशन के अंदर हमने तीन महीने का मैराथन किया था जनवरी फेबररी और मार्च उसमें हमने इतने अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कर लिए हैं कि आपको ज़्यादातर चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्कुल माइंड में एकदम छप गई होंगी सो प्रेजिडेंट ऑफ वन कोटक इज जयदीप हंसराज ठीक है हंस के राज करना है एक कोटक बनाना है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक दैट इज़ रविंद्रन तो जब भी तमिलनाड आएगा तो आपको रवि का नाम याद रखना है ठीक है तमिल से रवि का नाम याद रखना है फिर आ गया एम डी एन सी ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अजय कवल जो है देखो जनजन के पास में नहीं जाना केवल अजय के पास में जाना है जनजन के पास में नहीं जाना केवल अजय के पास में जाना है तो आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे याद रखना है अजय कवल के नाम से चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेयू के चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन रेणु सूद करनाड ठीक है रेणु सूद करनाड एम डी एन सी ऑफ़ एस बी एम बैंक इंडिया दैट इज़ आशीष विजयकर फॉर थ्री ईयर्स तो आशीष विजयकर जो है एस बी एम बैंक इंडिया के एम डी एन सी ओ बने हैं थ्री ईयर्स के लिए नेक्स्ट है यहाँ पर बैलेट्रल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुआ टाइगर ट्राउट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड फ्राम एटीन ऑफ मार्च टू टर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएसए सो टाइगर ट्रंप इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पर हुआ है इसके अलावा आप मुझे बताइए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ यहाँ पर हुई हैं इंडिया और जापान के बीच में कौन सी हुई है इंडिया और सेचलीस के बीच में कौन सी हुई है इसको रीड करो मैं जस्ट अभी आपकी गेम में जस्ट फ्यू मिनट ओके हाँ जी बहुत अच्छे एकदम सही आंसर किया है इंडिया और जापान के बीच में कौन सी हुई है अभी धर्मा हुई है कौन सा एडिशन था इसका फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ कौन सा और सेचुलिस जो है सेचुलिस के साथ में कौन सी हुई है एक्सरसाइज लामिटी ठीक है इनके एडिशन भी याद रखना ओके हाँ फिफ्थ एडिशन बहुत अच्छे लामिटीए का भी लिख दो आप लोग आई एम क्वाइट श्योर ये भी आपको याद होगा कल ही कराया था मैंने ठीक है so, सो लामिटी यहाँ पर आ गया लामिटी देखो धर्मा गार्जियन फिफ्थ तो फाइव इंटू टू कर दो तो लामिटीए का आ जाएगा टेंथ एडिशन ट्वेल्थ एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज है ना दस में दो ऐड कर दो तो मिलान नेवल एक्सरसाइज जो मल्टी एक्सरसाइज है कहाँ पर हुई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई इंडियन एयर फोर्स ने वायु शक्ति यहाँ पर कंडक्ट कराया जैसलमेर राजस्थान में गगन शक्ति भी कंडक्ट कराया राइट और पहला एडिशन हुआ है सदा तनसीक नाम की एक्सरसाइज़ पहली बार कोई सदा तनसीक नाम की एक्सरसाइज़ हो रही थी इंड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में और सदा तनसीक जो है इसके जो लोकेशन है वो कहाँ पर हुई है सदा तनसीक दैट इज़ इन सऊदी अरेबिया ठीक है एस बी आई पी ओ ऑफिस ऑफ एच ऑल इन वन कोर्स है फॉर प्रिलिम्स एंड मेन्स यहाँ पर आपको शीतल कोड अप्लाई करना है यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय अप्लाइंग शीतल कोड प्लस आप बैंकिंग सुपर इलीट जो है ये आप परचेज कर सकते हैं बैंकिंग सुपर इलीट के अंदर भी ये कोर्स इंक्लूडेड है सो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग दिस अगर आप चाहें तो बैंकिंग सुपर इलिट ले सकते हैं जिसमें एस बी आई पी ओ के अलावा आपको आई बी पी एस और बाकी एग्जाम्स बैंक एंड इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कोर्सेस सब कुछ मिलेगा लाइव प्रैक्टिस सेशन यू विल गेट एवरी थिंग बेसिकली सो शीतलकोट वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है ये कोर्स भी आपका बैंकिंग सुपर इलिट में इंक्लूडेड है तो दोनों अलग अलग लेने की बजाय एक बैंकिंग सुपर इलिट ले लो दैट विल बी ग्रेट हु विल बी कन्फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर संगीत कला निधि अवार्ड बाई द मद्रास म्यूजिक अकेडमी सो संगीत कला निधि अवार्ड जो है मद्रास म्यूजिक अकेडमी ने किसको दिया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आई थिंक बोल्ट जो है वो आई थिंक अभी uh, पेड हो चुका है जहाँ तक मैं जानती हूँ और uh, शायद ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में आपको मंथली बोल्ट मिलता है ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टीएम कृष्णा इज द करेक्ट आंसर है और टीएम कृष्णा को क्या मिला है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का संगीत कला निधि अवार्ड दिया है मद्रास म्यूजिक अकेडमी ने टीएम कृष्णा को टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर इनको एंड मैक्से अवार्ड भी दिया गया था नेक्स्ट इज पी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है फिलान थ्रॉफिक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनमें से किसको दिया गया है तो अब आपको पता है कि द वन एंड ओनली द लेजेंड्री रतन टाटा जी को मिला है पी वी नरसिम्मा राव अवार्ड तो एक पी वी नरसिम्हा राव जो है अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न देने की बात की गई है वो अलग बात है मरणोप्रांति ने मिल रहा है इनकी फैमिली इनके बिहाफ पर उसको यू you नो know, रिसीव करने जाएगी सो so, रतन टाटा जो हैं उनको मिलने वाला है पी वी राव मेमोरियल अवार्ड ठीक है इसके अलावा डियाना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटिया और मानसी गुप्ता और चमेली देवी जैन अवार्ड ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा ठीक है गोल्डन कंपास अवार्ड श्रीनिवासन स्वामी इरासमस प्राइज अमिताभ घोष फॉर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस हाईलाइट करने के लिए मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन कौन है इंडिया है चलो नेक्स्ट का आंसर करो इधर क्या होगा ओके सो है द करेक्ट आंसर इज कार्लोस एलकरेज ठीक है सो कार्लोस एल्करेज फ्रॉम स्पेन डिफीटेड डेनिल मेवडे फ्रॉम रशिया इन स्ट्रेट सेट्स विद द स्कोर ऑफ सेवन सिक्स इन द फाइनल ऑफ इंडिया वर्ल्स ए टीपी टोर्नामेंट सो एल्करेज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बैक टू बैक इंडियन वेल्स टाइटल सिंस नोवाक जोकोविक इट फ्रॉम टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है मेन सिंगल में कार्लोस एलकरेज ने यहाँ पर जीता है तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये कार्लोस एलकरेज जो हैं ये कौन सी कंट्री से हैं तो आंसर क्या होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कंट्री से हैं कंट्री पूछ लेते हैं ये आपको पूरा बता देंगे कि देखो मैंग सिंगल्स जीत लिया है किसने कार्लोस एल्केज ने जीत लिया है तो आंसर क्या हो जाएगा मैम ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है स्पेन डैनियल मैपडे रशिया है ना लेकिन अगर वेमेन्स सिंगल है ये तो ऊपर नहीं लिखा हुआ है वेमेन सिंगल का ईगा स्वातिक जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है स्पेशली ये मेन्स सिंगल और वेमेन सिंगल के, के केस में आपसे कंट्री पूछी जाती है तो कार्लोज एल्क्रेज फ्रॉम स्पेन एंड पोलैंड से कौन है ईगा स्वातिक इन्होंने वेमेन सिंगल जीता है मेन्स डबल वीजली एंड निकोला ने जीता और नेसे एंड एलिस ने जीता है वेमेन्स डबल नेक्स्ट है आपका कोल इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है फर्स्ट कमर्शियल स्केल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट कौन से स्टेट के अंदर ला रहे हैं फॉर सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी रूट के थ्रू तो याद रखना ये कमर्शियल स्केल का जो अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है ये आने वाला है कहाँ पर उड़ीसा के अंदर ठीक है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड उड़ीसा के अंदर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि विच मिनिस्ट्री एज साइंड एग्रीमेंट विथ ट्वेल्व टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन टुवर्ड्स तो बेसिंग मैनेजमेंट ऑफ सिक्स रिवर्स तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पार्टनर किया है एलिफेंट हाउस के साथ में तो आपसे पूछ रहा है एलिफेंट हाउस जो है कौन सी कंट्री की एक ब्रांड है सो बेसिकली एलिफेंट हाउस ब्रांड के नाम से यू नो बेवरेजेस वगैरह रिटेल बेवरेजेस मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो श्रीलंका की ब्रांड है ये और रिलायंस इनके साथ में यहां पर जुड़ा है और एलिफेंट हाउस ब्रांड जो है उसको इंडिया के अंदर इस ब्रांड के नाम से बेवरेजेस जो है वो यहां पर सेल करेंगे विच कंपनी हैज साइंड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजैन को फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन महाराष्ट्र करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सो एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी विच इज़ अ होली ओन सब्सिडी ऑफ एन टी पी सी हैव ज्वाइंड अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को ठीक है अब एन ग्रुप का यहाँ पर ना एक टारगेट है कि इसको 2032 तक 60 गीगा वॉट ऑफ रिन्यबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना है ठीक है सो अभी इसके पास में रिन्यबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है 3.4 पॉइंट गीगा वॉट का है 22 टू गीगा वॉट इसका अंडर पाइपलाइन चल रहा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इन दैट केस आंसर हो जाएगा मैम पेटीएम पेमेंट बैंक ठीक है कौन से बैंक के ऊपर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आफ्टर आर अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने भी इसके ऊपर साढ़े करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को वायलेट करने के लिए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी एम एल एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च इट्स यू पी आई हैंडल टू एनेबल डिजिटल पेमेंट ऑफरिंग टू ऑल यूजर्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने यूपीआई हैंडल लॉन्च किया अपना खुद का ताकि डिजिटल ऑफरिंग्स यहाँ पर दे सके उसके लिए इसने कौन से बैंक के साथ में ज्वाइन किया है फ्लिपकार्ट के यूपीआई के केस में एक्सिस बैंक आपको याद रखना है और इसके यूपीआई हैंडल का नाम क्या है एट द रेट एफ मतलब फ्लिपकार्ट एक्सिस हैंडल ठीक है यानी कि एट द रेट एफ के एक्सिस ये इसके हैंडल का नाम है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ़ पार्लियामेंट सिक्योरिटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए जो हेड यानी कि प्रमुख है वो किसको बनाया गया है तो याद रखना है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु अनुराग अग्रवाल जो है हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी बनाए गए हैं तो एक ही राग छेड़ रखा है अनुराग ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी तो सबने बोला भाई आगे आके अनुराग अग्रवाल अपना राग छोड़ो और आगे आके पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हेड बनो फिर तो इनको बना दिया गया फिर इसके बाद में डीजी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डीजी कौन बने हैं दलजीत सिंह चौधरी एडिशनल चार्ज मिला है क्योंकि इसके अलावा ये सशस्त्र सीमा बल के भी डीजी हैं ठीक है तो दलजीत जो है वो दलजीत जी जीत करेंगे सीमा बल पर भी और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी है ना तो वो कह रहा है उपेंद्र जो है वो कह रहे हैं कि अब मुझे इससे अप जाना है उपेंद्र को अप जाना है किसमें चीफ बनना है आर्मी स्टाफ का अभी क्या है वाइस चीफ बने हैं चीफ स्टाफ ऑफिसर एट ईस्टर्न नेवल कमांड शांतनु झा तो ईस्टर्न नेवल कमांड में शांत बनना चाहिए शांतनु झा नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल कौन है ए एन प्रमोद है ठीक है तो परम इंसान को ही क्या बनाया गया है नेवल ऑपरेशन का डीजी बनाया गया दैट इज प्रमोद नेक्स्ट इज एस रविंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इच बैंक मैंने आपको बोला रविंद्रन रवि जो है उसको तमिलनाडु से याद रखना तमिलनाडु मर्कटाइल बैंक यानी कि एस रविंद्रन ठीक है ठीक है करेक्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एम डी एन सी ओ अजय कंवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पे यू कंपनी की कौन है रेणु सूद एस बी एम बैंक इंडिया आशीष विजयकर फॉर थ्री ईयर्स बैंक ऑफ इंडिया के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एम आर कुमार को एम आर कुमार वही है जो एल आई सी के चेयरपर्सन रहे हैं टू थाउजेंड नाइनटीन से ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक फिर इनको जो इंश्योरेंस काउंसिल है उसका लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का इनको हेड बना दिया अब इनको बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इधर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है एम आर कुमार को फिर इसके बाद में डायरेक्टर अपॉइंट किया अब चेयरमैन अपॉइंट कर लिया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक कौन बने हैं श्रीनिवास श्रीधर फॉर थ्री इन इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर शहबाज शरीफ पाकिस्तान वट इज द नेम ऑफ शहबाज शरीफ पार्टी तो ये तो आपको पता है पार्टी का नाम क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ठीक है उसके नवाज के यहां पर लीडर शहबाज इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर कजाकिस्तान के बेक्तेनो यमन के मुबारक यमन वाले मुबारक दे रहे हैं यमन मुबारक ठीक है और एल सलवाडोर के बुकेले एल सल्वाडोर भूखे घूम रहे हैं बुकेले है ना हर डोर तक भूखे घूम रहे हैं बुकेले एंड सुल्तान ऑफ मलेशिया इज़ इब्राहिम हु हैज लॉन्च हज मोबाइल हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू डेली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं इन्होंने हज गाइड 2024 और हज सुविधा मोबाइल ऐप न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ नियरली सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड चिल्ड्रेन ऑफ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी तो ऐसे 75,500 चिल्ड्रन की एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंपनी साथ आ रही है साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट यानी कि यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के तो आंसर क्या हो जाएगा आर लिमिटेड अंग विद यूनिट ऑफ़ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं सेवेंटी फ़ाइव चिल्ड्रेन का इन यूपी नेक्स्ट है हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है तो प्रदीप महाजन को दिया गया है रतन टाटा जी को क्या मिला था पीवी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड है ना और डियाना मेमोरियल अवार्ड मिला था उदय भाटी और मानसी गुप्ता को है ना और प्रदीप महाजन को क्या मिला है इनको महाराष्ट्र कह प्रदीप जो है ना ये महाराष्ट्र भूषण है क्या है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको दिया गया है ठीक है किसके लिए इन द फील्ड ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन के केस में डॉक्टर हैं ये ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेम आर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अलॉन्ग विद स्टेम आर एक्स बायोसाइंसेज सॉल्यूशन ऑनररी नाइटहुड टाइटल किंग चार्ल्स थर्ड ने किसको दिया मैम भारती एयरटेल कंपनी जो है उसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल को उसके जो हेड हैं सुनील भारती मित्तल उनको दिया है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द लीजन दे ऑनर इन्होंने बोला अरे बहुत इंग्लिश बोलता है ये बंदा इसको दे दो हाइय सिविलियन अवार्ड दे दो शशि थरूर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आरईसी लिमिटेड ने कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसा किया है कि उसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड मिला इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड फिफ्टी ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड माना जाता है इंडिया के अंदर और ये मिला है उर्दू के पोइट गुलजार जी और संस्कृत के स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दोनों को साथ में मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बाय आई किसको दिया गया साउथ इंडियन बैंक को दिया गया कह रहे टेक्नोलॉजी बैंक तो बहुत अच्छे हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड आ लेकिन बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर बाय आई किसको मिला साउथ इंडियन बैंक को यूरोपियन एरोस्पेस फॉर्म एक्टर

एन ने महाजैनकों को बोला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप कर दें उसने बोला कर दो कोल इंडिया लिमिटेड और भेल ने कहा अमोनिया नाइट्रेट प्लांट कमर्शियल स्केल का उड़ीसा में ले आए बोले ले आओ कहाँ लाओगे महानदी कोल फील्ड्स में लाएंगे कह रहे ठीक है फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी साइंड एमओयू विद इंडियन एयरफोर्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड सेंसर्स फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट एम ओ डी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ में एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ में फोर सिक्सटी थ्री स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स बनानी है इनको किसके लिए एक तो नेवी के लिए और एक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए रिसेंटली छपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो छपचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है मैम ये मनाया जाता है मिजोरम के अंदर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम और ये जो आपका मनाया जाता है छपचारकूट जो ये मनाया जाता है दिस इज आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ झूम ऑपरेशन झूम खेती के बाद में ठीक है ऐसे ही तवी फेस्टिवल जम्मू में मनाया गया इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में मनाया गया दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा में मनाया गया एथनिक ममानी फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया गोले मेला फेस्टिवल जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में काला उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन कला उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन एंड गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल के अंदर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द अदिति स्कीम दैट वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली अदिति स्कीम से रिलेटेड कौन सा पॉइंट यहाँ पर इज़ करेक्ट राजनाथ सिंह लॉन्च द अदिति स्कीम टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज अदिति स्टैंड्स फॉर एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स आईडेक्स मीन्स इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का मतलब है आईडेक्स अंडर द स्कीम स्टार्टअप आर एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट नेड ऑफ़ अपू फिफ्टीन करोड़ फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट uh, uh, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने साढ़े सात सौ करोड़ रुपीज़ इनको दिए हैं अलॉट किया है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फॉर दिस स्कीम तो इसमें यहाँ पर ओनली टू आर इनकरेक्ट यहाँ पर क्या क्या है सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी है देखो सबसे पहली चीज़ जो इनकरेक्ट है दैट इज़ दिस ठीक है ये क्यों इनकरेक्ट है क्योंकि पंद्रह करोड़ नहीं है कितना है यहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपए है और अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर कि अदिति स्कीम को लॉन्च किस लिए किया गया है तो मैम अदिति स्कीम का काम क्या है इनोवेशन इन क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए इसको बेसिकली यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसमें यहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये का ग्रांट इन एड दिया जाएगा इससे यहाँ पर इनोवेशन ऑफ यूथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाया जाएगा आदि आदिति स्कीम्स विच फॉल्स अंडर आईडेक्स मतलब इनो फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता साढ़े सात सौ करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज जिसमें फोकस किया जाएगा मॉडर्न आर्म फोर्सिस एंड डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम के ऊपर क्लियर है सबको चलो नेक्स्ट देखते हैं अब आप हुज इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिर आदित्य सिंधिया सो यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ वर्चुअली इनागरेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदा स्टेनलेस लिमिटेड हिसार के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद रूफ टॉप एंड सोलर फ्लोटिंग सोलर के साथ में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड विवेक भारद्वाज जो हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ इनोग्रेटेड द टू डे रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग द पी ई एस ए कि पेसा इन विसिटी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में दो दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने यहाँ पर किया था पेसा एट रांची झारखंड के अंदर ठीक है याद रहेगा सब लोगों को अब ये पेसा एक्ट गाइस क्या है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज दिस पेसा एक्ट जिसके बारे में इतनी बात हो रही है कौन से ईयर में आया था आपका पेसा एक्ट ठीक है तो मैं लिख देती हूं इधर पेसा एक्ट जो है ये कौन से ईयर में आया था नाइनटीन नाइनटी में आया था आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है ठीक है 1996 में आया था इसका काम क्या था पेसा का एक्ट का काम था बेसिकली ये शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत पहुंचाने का काम था इसके थ्रू यानी कि इसका पूरा नाम पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996 ठीक है नेक्स्ट इज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज़ रेस्ड इंडियाज जी डी पी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम सिक्स पॉइंट वन परसेंट करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स पॉइंट वन परसेंट से बढ़ाकर कितना कर दिया सिक्स पॉइंट एट कर दिया नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च द स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन फॉर इट्स कस्टमर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन नाम से अपने कस्टमर्स के लिए ये नया यहाँ पर जो ऑफरिंग लेके आया है दैट इज़ हु ये है कोटिक महिंद्रा बैंक कोटिक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन फॉर कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द मोजर ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यू स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इंट्रोड्यूस नीरज चोपड़ा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर विच पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल वेरियंट तो याद रखना है स्पीड जो प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट है उसके लिए यानी कि यहां पर आपको याद रखना है कि जो नीरज चोपड़ा है वो बीपीसीएल का प्रीमियम पेट्रोल वेरियंट है जिसका नाम स्पीड है उसके यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इससे पहले राहुल द्रविड को प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव एंड मैक लुब्रिकेट का यहां पर रैंडम एंबेसडर बनाया गया था कटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग्स टीम आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन थर्ड रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के ऋषभ पंत अल्ट्रा जेल प्लस दीपिका पादुकोन बिस्लरी की नेक्स्ट है थर्टी फोन थर्टी वन ईयर ओल्ड बी साई प्रनीत हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बी साई प्रनीत ने रिटायरमेंट ले लिया है ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बैडमिंटन से हैं यहाँ पर तो काफ़ी सारी इंजरीज से ये गुजर रहे थे इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं इनका ट्वेंटी है, है रिटायरमेंट लिया उनमें से डीप ग्रेस एक्का फ्रॉम इंडिया इंटरनेशनल हॉकी से शॉन मार्च फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनल क्रिकेट से हेनरिच कलासन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट डेविड वार्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल ओडिया एंड टेस्ट से हु वॉज़ ऑ ऑनर्ड वेद इंडिया यू के अचीवर्स अवार्ड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक तो फ़रहान अख्तर की बहन है ठीक है और उसके अलावा कोई भी यहाँ पर जो नाम है वो फ़रहान अख्तर या उसकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है उनकी फैमिली सिर्फ एक है जोया अख्तर तो ऑबियस ही बात है यहाँ पर जोया अख्तर एंड असमा खान बाकी में जोया अख्तर फरहान अख्तर नाम ये नहीं जोया अख्तर एंड असमा ख़ान जो हैं उनको क्या मिला है इंडिया यू के अचीवर अवार्ड मिला है जोया अख्तर फिल्म मेकर हैं यहाँ पर बहुत ही रिनोन फिल्म मेकर हैं एंड ब्रिटिश इंडियन शेफ अस्मा खान जो है उनको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड लंडन यूनाइटेड किंगडम में दिया गया है महाराष्ट्र भूषण किसको मिला प्रदीप महाजन को ऑनरेरी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स थर्ड सुनील भारती मित्तल को शेवलियर द लीजन फ्रांस का सबसे हाईएस्ट ओनर किसको शशि थरूर को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड आर लिमिटेड को ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक साउथ इंडियन बैंक पारस वन सेटेलाइट सीन इन द न्यूज रिसेंटली दिस इज अ अटेलाइट फ्रॉम विच कंट्री ये मैं दे रही हूँ आपका होमवर्क जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है सब लोग सबमिट कर दोगे ठीक है ट्वेंटी से थर्टी स्टूडेंट्स का होमवर्क ज़रूर आना चाहिए अप्लाई शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑलिव बोर्ड बोर्ड पर आप कुछ भी परचेज करते हैं शीतल कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा अब मिलते हैं हाँ अब अब पोस्टपोन नहीं होगा मन लगा कर पढ़ो एन आई ए सी एल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो अच्छे से पढ़ के जाओ ऑल द बेस्ट गाइड एंड जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब मिलती हूँ आपसे कल ट्वेल्व पी पर आ, कल हम करने वाले हैं एन आई ए सी एल असिस्टेंट के लिए जी ए सुपर मॉक तो उसमें ज़रूर अटेंड करें सुपर मॉक को आप एंड बाकी आपको पी डी एफ मिल जाएगा आफ्टर द क्लास ठीक है बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच एवरी वन मिलते हैं कल ट्वेल्व पी एम पर टिल दैन